हरियाणा विधानसभा चुनाव के दरमियान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक बयान ने सनसनी फैला दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने विनेश फोगाट और ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले पर एक बड़ा बयान दे दिया है। एक मीडिया इंटरव्यू में दिए गए बयान में ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विनेश फोगाट कांग्रेस द्वारा रचित षड्यंत्र का हिस्सा थी, वह कांग्रेस के लिए प्रदर्शन कर रही थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई भी यहां पर छेड़खानी नहीं की और किसी तरीके का कोई यौन शोषण जैसा मामला नहीं है। वो आंदोलन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ी उस आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे थे। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान के बाद जबरदस्त सियासत गर्म हो रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी तरीके का कोई आरोप नहीं था तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों किया। दूसरी तरफ फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला चल रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कटाक्ष करते हुए और मनोहर लाल खट्टर को खरी खोटी सुनाते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उनका किसी तरीके की कानून व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल तक बहन बेटियों के साथ हुए खिलवाड़ के प्रति अपनी आवाज़ को दबाए रखा। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा को लूटने का काम किया है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री यहाँ मनोहर लाल खट्टर पर। अब देखना ये होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर यह मुद्दा कितनी गहनता के साथ अपनी पकड़ बना पाता है, क्या वाकई में बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर विनेश फोगाट को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनौती देती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।